नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम डेट एंड रिजल्ट 2020। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर फरवरी में होगा या मार्च में होगा, इसको लेकर दोस्तों अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आपके डीएलएड 2017 बैच चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2020 कब तक जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के मन में सवाल आ रहा था। देखिए दोस्तों, इसका रिजल्ट आपका जनवरी 2000 लास्ट तक आपका जारी होना था, लेकिन दोस्तों फिलहाल आज आपकी 31 जनवरी 2020 हो चुकी है, आज तक अभी आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। तो अब सिंपल सी दोस्तों बात हम कह सकते हैं, जनवरी में नहीं होता, फरवरी में ही आपकी उम्मीद है। देखिए आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो 7 तारीख तक आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए 7 फरवरी को आपका दोस्तों यूपी टेट 2019 का रिजल्ट जारी हो रहा है। देखिए उससे पहले दोस्तों क्या होगा ना कि अभी आपका दोस्तों पेपर टू की एक वैकेंसी आने वाली है। अगर उससे पहले आपका रिजल्ट जारी नहीं होता, आवेदन शुरू हो जाते, तो दोस्तों आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप आने वाली शिक्षक भर्ती से दोस्तों डीएलएड 2017 बैच बाहर हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, जो आपके सुपर टेट के लिए आवेदन होते हैं, इसको देखिए आपको समझना पड़ेगा। जो एस टेट के आवेदन होते हैं दोस्तों, उससे पहले आपको आपका डीएलएड हो या बीएड का कोर्स हो। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्र बीएड का कोर्स करते हैं, काफी छात्र दोस्तों आपके डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं। तो आपका दोस्तों ये कोर्स में क्या होता है, फाइनल सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट जब तक जारी नहीं होता, तब तक आप सुपर टेट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो बस वही दोस्तों बात है, इस समय आपने सुना होगा कि जूनियर की एक वैकेंसी आने वाली है या आ सकती है कुछ ही दिनों में। तो उससे पहले दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी होना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे आपका जो डीएलएड का 2019, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर का दोस्तों जो बैच है, इनका पेपर कब से होगा। और दोस्तों आपका डीएलएड 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020 कब से होगा। अगर अभी तक दोस्तों आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पा रही, पेपर में आपको कैसे पढ़ना समझ में नहीं आ रहा डीएलएड, तो दोस्तों हमने आपके लिए डीएलएड के मॉडल पेपर्स बना दिए। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड के मॉडल पेपर में क्या है, जो आपके दोस्तों 2019 का सारा प्रश्न पत्र हल हम आपके लिए तैयार कर चुके हैं। उससे दोस्तों आपको यह फायदा होगा, अगर आप प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं तो दोस्तों कम से कम आपको ये एक आइडिया लगेगा कि आपका पिछले साल का पेपर कैसा आया था। जब आप उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उन प्रश्नों को करने में सक्षम है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप 2020 में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम वीडियो में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हो दोस्तों वो प्रोवाइड की जा सके। देखिए नोट्स हम वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं, पहले हम बता दें पीडीएफ दोस्तों हमारे तरफ से नहीं मिलती आप लोगों के लिए। वीडियो में होता क्या है कि कम से कम आप उस वीडियो को एक बार देखेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में घुस जाएगा। पीडीएफ में क्या होगा दोस्तों, आप उसको ओपन करेंगे, आप पढ़ेंगे तो है नहीं। देखिए पीडीएफ से अच्छा है दोस्तों आपके पास तो किताबें होती हैं, अगर आपको पीडीएफ से ही पढ़ाई करना है तो सबसे अच्छा हम आपको यही कहेंगे बुक से आप पढ़ लीजिए, वो ज्यादा बेटर होता है। पीडीएफ मोबाइल में देखने में थोड़ी बहुत आंखों में दिक्कतें भी आती हैं, वीडियो में क्या रहता है सुन भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत फायदा होता है। तो अगर आप सिर्फ पीडीएफ से तैयारी करना चाहते हैं तो उससे अच्छा बेटर होगा दोस्तों आप किताब से पढ़िए, वो ज्यादा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग कि कैसे चेक करें आप लोग रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड 2017 बैच का रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर का। इसके लिए दोस्तों हम आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे देंगे, देखिए उस लिंक को आप रोज चेक करते रहिए, जैसे आपका रिजल्ट जिस दिन भी जारी होगा उस दिन दोस्तों आपको वहां पर अपडेट्स मिल जाएगी कि आज आपका रिजल्ट आने वाला है या दोस्तों आज आपका रिजल्ट आ चुका है। तो उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट अपना रोल नंबर सिर्फ फिल करके, जी हाँ दोस्तों सिर्फ अपने रोल नंबर के बेसिस पर, रोल नंबर कभी कभी आपका डेट ऑफ बर्थ भी मांग सकता है, तो आप दो चीज दोस्तों डालेंगे तो आपका अपना रिजल्ट खुल जाएगा। तो ये एक आसान सा तरीका होगा जिससे दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट एक्सेस कर पाएंगे। देखिए अब बात हो रही दोस्तों आपका जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है और तृतीय सेमेस्टर, कब पेपर हो सकता है, फरवरी में होगा या मार्च में होगा। देखिए ये आपके मन में काफी कंफ्यूजन है। देखिए दोस्तों इसको हम कंफ्यूजन को आपको थोड़ा दूर करते हैं कि जनवरी दोस्तों आज जैसा हमने बोला दोस्तों आपकी 31 तारीख आज हो चुकी है, 31 जनवरी 2020 आज की तारीख है जब वीडियो आपकी बन रही है, ठीक है ना। हो सकता है दोस्तों इस वीडियो को आप फरवरी में देखें, मार्च में देखें, हो सकता है कि आज के आज भी देख लें। तो देखिए सिंपल सी बात आपको समझना है कि अब फरवरी में दोस्तों आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपके 10वीं के होंगे एग्जाम, 12वीं के होंगे। तो फरवरी में दोस्तों आपका पेपर ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी दोस्तों काफी जगह ऐसी हैं, आगरा से काफी बच्चों को हमारे पास मैसेजेस आए दोस्तों और अलग अलग जिलों से आते हैं कि अभी उनकी टीचिंग तक स्टार्ट नहीं हुई है। देखिए दोस्तों जब तक आपकी टीचिंग शुरू नहीं होती, कम से कम सभी बच्चों को पता होगा जो बच्चे तृतीय सेमेस्टर में है कि टीचिंग के 100 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। वैसे तो प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को भी पता चल चुका होगा कि 100 नंबर टीचिंग के बनते हैं, लेकिन दोस्तों ये नंबर पहले होता है, टीचिंग आपका पहले होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले आपका टीचिंग ये सब के जो नंबर होते हैं 99 आपको मिलते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 99 या 98 जो भी दोस्तों आपको मिल जाए, लेकिन 99 एक अच्छा नंबर समझा जाता है। 98 वैसे दोस्तों काफी कम छात्रों को मिलता है, उम्मीद करेंगे कि सभी को 99 नंबर ही मिले। तो जैसा दोस्तों हमने आपको बताया कि आपको 99 नंबर मिल जाएगा, तो ये दोस्तों आपका टीचिंग से पहले, मतलब क्या कहते हैं कि आपका एग्जाम से पहले दोस्तों टीचिंग कंप्लीट होती है।
तो अभी तो टीचिंग ही नहीं हुई काफी जगह, तो आपको दोस्तों बता दें कि 30 वर्किंग डेज बार बोला गया, चलो 30 दिन मान लेते, वर्किंग डे छोड़ते हैं, 30 दिन की दोस्तों आपकी टीचिंग कम से कम होनी है। ये बात से आप लोग परिचित हो चुके हैं कि यार 30 दिन तो हमें टीचिंग करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों जब आपको 30 दिन की टीचिंग करनी है तो आपके पास 30 दिन का पर्याप्त समय है अभी, कि 30 दिन के बाद ही आपका पेपर हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है यार, आज 31 तारीख को तो पूरी फरवरी निकल जाती है, तो आपका जो पेपर होगा वो होली के आसपास हो सकता है, ठीक है ना। अभी दोस्तों जब तक टीचिंग हर जिलों की या हर कॉलेजेस की दोस्तों कंप्लीट नहीं होती, तब से पहले आपका पेपर नहीं हो पाएगा। टीचिंग के लिए दोस्तों आपको नोटिफिकेशन, ये सब आपके जहाँ के रहते हैं वहाँ के डायरेक्ट आपके दोस्तों कॉलेज अलॉट करेंगे कि आपको इस कॉलेज में या इस स्कूल में जाकर आपको टीचिंग करनी है, और फॉर्मेलिटीज दोस्तों वो सब वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों ज्यादा यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप कैसे रिजल्ट चेक करेंगे, उसके लिए दोस्तों हमने बताया कि आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब आपका पेपर जो होने की दोस्तों जो संभावना लग रही, प्रबल संभावना है, वो मार्च में। देखिए फरवरी में भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम चांसेस हैं। ये मान के चलिए दोस्तों आप लोग कि 30 और 70% का रेशियो है, 70% दोस्तों आपके चांस बन रहे हैं कि आपका पेपर मार्च तक जाएगा, और 30% दोस्तों आपका बन रहा है कि आपका पेपर फरवरी में भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका पेपर कब होगा। कभी कभी दोस्तों होता है ना कि पीएनपी है भाई, कभी आपको तो पता होगा जो तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं उनको दोस्तों बहुत ही अच्छे से पता होगा कि यार पेपर के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले दोस्तों आपको ये पता चलता है कि हमारा पेपर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको पता है। तो लेकिन हाँ, आप लोग कहीं बाहर मत जाइएगा, आप लोग पेपर की तैयारी लगातार करते रहिए। जो आपके दोस्तों नोट्स हैं, देखिए दोस्तों हमने आपके लिए पूरे मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए, 2019 का सारा प्रश्न पत्र हल हमने आपके लिए बनाया है। देखिए दोस्तों अभी आपके तृतीय सेमेस्टर के लिए भी दोस्तों आने वाला है, तृतीय सेमेस्टर के दोस्तों हमने जो वीडियोस बनाई आपके बहुविकल्पी प्रश्नों की पूरी बना दी, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की पूरी बना दी, अभी आपके दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न बच रहे हैं। अब दोस्तों इस टारगेट है कि इसी वीक में, जी हाँ दोस्तों जो आने वाले दोस्तों अगला वीक है, मतलब दोस्तों किसी भी कीमत पर आपको 7 फरवरी 2020 से पहले आपके पास सारे लघु उत्तरी प्रश्नों की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, इस पर हम वर्क कर रहे हैं कि आपका कहीं से भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, आपके लिए दोस्तों वीडियोस बनती रहे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए दोस्तों, जिस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको नोट्स दे देंगे दोस्तों। वैसे काफी छात्रों के पास होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, 8738079216, ठीक है, फिर से लिख लीजिए, 8738079216। इस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, कॉल आपकी लगेगी भी नहीं, नंबर स्विच ऑफ होता है मैक्सिमम टाइम दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए दोस्तों ये नंबर बनाया गया कि आपकी जितनी हेल्प हो सके व्हाट्सएप के माध्यम से हम कर सकें, ठीक है ना। और दोस्तों एक काम करिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। देखिए आप YouTube पर काफी अफवाह देखते हैं कि पेपर कल होगा परसों होगा, देखिए डेट्स आती रहती है, फेक स्कीमें आती हैं, उनसे आपको बचना है, कुछ भी दोस्तों हवेबाजी में बात नहीं करनी है। तो आप लेकिन देखिए बिल्कुल बेफिक्र मत हो जाएगा कि पेपर आपका फरवरी में नहीं हो रहा तो दोस्तों आप लोग मौज मस्ती करने लगे। देखिए आप पेपर की तैयारी करें, प्रथम सेमेस्टर में आप स्टूडेंट थे अगर हैं या तृतीय में, तृतीय सेमेस्टर वाले छात्रों को पता होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में कितनी ज्यादा बैकें आई थी, 50,000 से ज्यादा लड़के फेल हुए थे, ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों मिलाकर, ऐसा नहीं सिर्फ लड़के ही फेल हुए थे, तो छात्र और छात्राएं दोस्तों 50,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। तो अगर आप एक अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, हम नहीं चाहेंगे दोस्तों कोई भी छात्र के साथ मतलब बैक लगे या कोई छात्र फेल हो, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप पेपर की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों हम आपके लिए हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, कहीं पर दोस्तों किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, सवाल हो, डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने मैथ के लिए आपके लिए स्पेशली वीडियो बना रखी है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लाइफ में होता है गणित, मैथ्स की वीडियो, तो दोस्तों हमने आपके लिए मैथ्स की पूरी अच्छे से वीडियोस बना रखी है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है। जब आपके लिए दोस्तों हमने मैथ की वीडियो सारी बना रखी है, फिर तो दोस्तों आपकी बैक लगनी ही नहीं चाहिए। देखिए मैथ में सबसे ज्यादा बच्चों की बैक आती है, मैथ में दोस्तों हमने काफी मेहनत की है, आपके लिए बहुविकल्पी की अलग वीडियो बनाई है, अति लघु उत्तरी प्रश्नों की दोस्तों आपके लिए अलग वीडियो बनाई है, और उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्नों की दोस्तों हमने अलग से वीडियो बनाई है। मतलब 5 नंबर आपके बहुविकल्पी से कंप्लीट होंगे, 6 नंबर अति लघु उत्तरी से प्लस, और दोस्तों आपके 14 नंबर बनेंगे लघु उत्तरी से। पास होने के लिए आपको चाहिए होंगे 12 नंबर, तो आप इससे करके पास हो सकते हैं। देखिए सारी वीडियो, सबसे अच्छी बात अभी तक ये, हमारे चैनल पर अभी तक आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, और उम्मीद दोस्तों करेंगे कि आपके ऐसा ही सपोर्ट और मिलता रहेगा, तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपसे कभी पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों जितनी भी हेल्प हो सकती है हम लोग करते हैं। यूपी टेट की दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है तो भी दोस्तों हमने आपके लिए गणित की वीडियो, यूपी टेट में तो दोस्तों हमने आपके लिए 6.5 घंटे की वीडियो बना रखी है गणित की, जी हाँ दोस्तों एक सिंगल वीडियो 6.5 घंटे होता होगा। काफी छात्र सोच रहे हैं यार कौन देखेगा इतनी बड़ी वीडियो, जी हाँ दोस्तों लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे भी, और 1 दिन में भी आप गणित को खत्म कर सकते हैं,
ठीक है ना दोस्तों, बस आप लोग ऐसे तैयारी करेंगे पेपर में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, हम आपको लिंक देते हैं, पहले उसे एक बार आप देखिए कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए जो चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है दोस्तों, वो फरवरी में अब जारी हो जाना चाहिए। इसका रीजन दोस्तों हमने बताया कि सुपर टेट की कोई वैकेंसी, मतलब आपकी शिक्षा कोई भर्ती आती है, ठीक है ना, जो सुपर टेट के लिए आवेदन होंगे, आप आवेदन तभी कर पाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, मतलब शिक्षक भर्ती से आप बाहर हो जाएंगे। चतुर्थ सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर, इनका एग्जाम डेट दोस्तों बहुत ही जल्दी आएगी, और जो भी अपडेट्स होंगे दोस्तों हम सबसे पहले आपको यूट्यूब पर अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। एक काम और आप कर सकते हैं इस वीडियो में, आपको बता दें, काफी छात्र हमें मैसेज करते हैं तो बोलते हैं सर अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। देखिए दोस्तों, पहले ग्रुप बनाते थे लेकिन अब ग्रुप में बनाने में काफी समय लग जाता है, तो दोस्तों आप एक काम करिएगा, ग्रुप से अच्छा है कि आप लोग हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास खुद, अगर आप कहीं एडमिन हो और जहाँ पर दोस्तों आप डीएलएड का कोई ग्रुप चला रहे हो, तो आप हमें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, और पेपर की आप लोग तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी छात्रों को।